स्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं कि पिछला क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछला क्लास में आप लोगों को हम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसके के बारे में बताए थे। इसको दो तरह से डेफिनेशन दिया गया था, एक परमिटिविटी पर दिया गया था और बताया गया था कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये दोनों का रेशियो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहलाता है सिंपल लैंग्वेज में। फिर बाद में हम इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म में भी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का डेफिनेशन देखे थे, वो था एफ ईयर बटा एफ मीडियम। दो तरह से इसका डेफिनेशन देखे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का। जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो एक और डेफिनेशन देखेंगे कैपेसिटेंस के टर्म में, जो कैपेसिटर में होगा। अब फिलहाल हम उसका बात अभी नहीं करते हैं यहाँ। अब देखिए, तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, या K इज इक्वल टू एफ ईयर बटा एफ मीडियम। यहाँ से समझने वाली बात है कि अगर आप एफ मीडियम निकालिएगा तो एफ ईयर ऊपर में ही रह जाएगा और के नीचे चला जाएगा। यहाँ से समझते हैं हम कि क्या हमरो निकाले। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, एक प्लस है एक माइनस होता है, अगर इसको हम हवा में रखे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से जिस तरह से जिस फोर्स से बंधे हुए हैं, अब इस नमक को हम लोग किसी मीडियम में ले करके, जैसे मान लीजिए कि वाटर एक मीडियम है और वाटर का के का वैल्यू 80 होता है, जब इस नमक को हम वाटर में ले जा करके डुबो देंगे तो क्या होगा, NaCl सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से जिस फोर्स से बंधे होंगे, वाटर में इसको डुबोने के बाद इन दोनों के फोर्स 80 भाग में टूट जाएगा और टूटने के बाद ये इन दोनों के बीच का जो बंधन है, बॉन्डिंग है, वो वीक हो जाएगा। परिणाम एज ए रिजल्ट ये वाटर में घुल जाएगा। इसीलिए हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माने थे। ऐसा इसलिए माने थे क्योंकि देखिए टोटली डिपेंड कर रहा है के पर, जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा के का, वो सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट के रूप में सामने उभर करके आएगा। हम देख रहे हैं कि वाटर का मैक्सिमम था 80 था, यानी किसी भी मटेरियल को जो वाटर में घुल सकता है उसको अगर आप वाटर में डालिएगा तो मीडियम के बीच का जो फोर्स होगा वो 80 टाइम टूट जाएगा और टूटने की वजह से उसमें घुल जाएगा। इसलिए हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मान के चले थे। अब हम इस टॉपिक को रिमाइंड करा करके आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आज जनरली तीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो आपको सामने हम लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चूंकि दो चैप्टर को कवर करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए ये लॉन्ग चैप्टर थोड़ा ऐसा है। तो चलिए अब आप अपना कॉपी पेन निकाल कर रेडी हो जाइए। मेरा तीन टॉपिक आज का रहेगा, वो है फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, 10th क्लास में आप इसको पढ़े थे हिंदी में विद्युतीय क्षेत्र, और दूसरा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब ताकत, पावर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस चीज़ से मेजर करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल वे में आप समझ लीजिए बस इतना, बाकी तो डेफिनेशन और इसको अच्छी तरह से क्लियरिफाई हम आगे करेंगे ही। और थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए जो इमेजिनरी लाइन खींचा जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। इसको पढ़ने के बाद अगर वीडियो लंबा ना होगा, थोड़ा कम समय में ही इसको हम डिस्क्राइब कर लेंगे, आपको समझा देंगे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि क्या कैरेक्टेरिया है इसका, आखिर हम किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं, अगर टाइम बचेगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। और एक क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर दे देंगे जिससे हमको ये पता चलेगा कि आप क्लियरली वीडियो को देख रहे हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन है, अब डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा पॉज करके वीडियो को, चलिए लिख लिए होंगे आप, इधर देखिए क्या है ना, इट इज द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कोई भी, यहाँ देखिए प्लस चार्ज है यहाँ, तो चार्ज के अराउंड का ऐसा स्पेस
इन विच, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, जहाँ हम इलेक्ट्रिक फोर्स को अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये एक बात ध्यान रखने वाली है कि चार्ज से किसी खास एरिया तक ही वैसा स्पेस होता है, ये नहीं कि अगर आप एक चार्ज यहाँ रख लिए तो काफ़ी बहुत दूर तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, ऐसा नहीं है, किसी खास लिमिट तक ही होता है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लस चार्ज है तो इसके अराउंड ऐसे हम यही तक खींच रहे हैं सिर्फ, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो मुख्य बात समझना है वो ये है, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आए, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आने का वजह ये चार्ज है, इसलिए इस चार्ज को हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स यानी विद्युतीय क्षेत्र का यहाँ आने का मूल वजह यानी मूल स्रोत इस चार्ज को हम लोग कहेंगे, इसलिए इसका नाम है सोर्स चार्ज। और बाकी जो इधर आसपास दिख रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। बस सिर्फ इतना ही छोटा सा टॉपिक है ये, इसको आप नोट कर लें आराम से। अब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकेंड टॉपिक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देखिए पहले फिगर समझ लीजिए आप, वही चीज़ लैंग्वेज में लिखवाया गया है। ये प्लस चार्ज है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी जस्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े हैं, यह क्या है, तो किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। अब देखिए इसको सोर्स चार्ज कहेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब इकाई, पॉजिटिव माने धनावेश, चार्ज माने पॉजिटिव माने धन, चार्ज माने आवेश, इकाई धनावेश को हम यहाँ लेकर के आते हैं। जैसे मान लीजिए कि इकाई धनावेश ये है, प्लस क्यू है, इसको जब आप इधर इसमें लेकर के आइएगा, इस चार्ज को सपोज कीजिए ये वाला चार्ज यहाँ है, ये जब आप इसको इधर लेकर के आइएगा, ये चार्ज है, तो चूंकि सेम बिहेवियर का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए ये चार्ज यानी सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, यानी एफ फोर्स सपोज कीजिए कि रिपेल किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको कहते हैं ना, तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को जब हम इसके तरफ लेकर के आएंगे तो जो फोर्स इस पर लगेगा, यूनिट पॉजिटिव को, निगेटिव को लाइएगा तो आप फोर्स इसको हटाएगा नहीं बल्कि वो अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग यूनिट पॉजिटिव लेकर के आ रहे हैं, निगेटिव नहीं। अब देखिए तो जब लाइएगा इधर तो रिपल्सन यहाँ होगा, तो जो रिपल्सन में फोर्स लगेगा उसके और इसका रेशियो को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखने के बाद हम थोड़ा सा और भी आगे लैंग्वेज बनाए हैं, एट दैट पॉइंट, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि अलग अलग पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगा। जैसे इस चार्ज को सपोज कीजिए कि यहाँ ला के रखना है तो यहाँ कम बल लगेगा आपको क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर इसी चार्ज को आपको यहाँ रखना है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ज़्यादा बल लगेगा क्योंकि नज़दीक लाइएगा, वैसे वैसे आपको बल ज़्यादा लगेगा उसको नज़दीक लाने में। तो जैसे जैसे नज़दीक आइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, इसलिए स्पेशल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग। अब बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। इस फिगर को भी आप छाप लीजिए पहले अच्छा से, सब कुछ छापिएगा अच्छा से, नोट करते ही चलना है। अब हम इसको अच्छा तरह समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आखिर हम लोग कैसे लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से, इसलिए इसको भी ई से ही इंडिकेट करते हैं। आगे हम जान लेते हैं कि आखिर लिखेंगे हम लोग कैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप अच्छा से इसको समझ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इज इक्वल टू फोर्स बटा, इसको सोर्स चार्ज कहेंगे और इसको टेस्ट चार्ज कहेंगे, लिख ही देते हैं अच्छा, टेस्ट चार्ज, ये हो गया सोर्स चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा करके आगे लिखते हैं। मिटाने से पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। इसको अगर दूसरी शब्दों में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना लगा था F,
बट टेस्ट चार्ज कितना है, प्लस क्यू है तो क्यू हो जाएगा, ये इतना लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग इसका एसआई यूनिट निकाल लेंगे, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलोम, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलोम। फिर डायमेंशन निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा हम फिगर अभी इसलिए नहीं मिटाए क्योंकि अभी हमको जानना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टर की बात आई तो वेक्टर क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। तो आइए हम पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा कहाँ। तो देखिए, सोर्स चार्ज के पास जब आप टेस्ट चार्ज को लाइएगा तो सेम बिहेवियर के चार्ज होने की वजह से रिपल्सन करेगा। एफ फोर्स से रिपल्सन किया और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ हुआ, इधर की तरफ। तो इस पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। इस चार्ज को अगर हम इधर से लेकर के आते यहाँ तो ये इसको रिपल्सन इधर की तरफ देता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के ही डायरेक्शन में होता है। अब हम बाकी सारी बातों को लिख देते हैं इसको मिटा करके। एसआई यूनिट के बारे में जो बात किए थे, न्यूटन पर कूलम, वो है, इसका डायमेंशन है, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और क्यू क्यू बराबर आप जानते हैं आई टी होता है, आई मैंने करंट, टी टाइम, तो करंट का एम्पियर, टाइम का टी हो जाएगा, तो ए टी नीचे हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन और टी माइनस थ्री, डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो हमेशा इस फोर्स के ही डायरेक्शन में होगा। इतना बात लिख करके आप पहले डेफिनेशन लिखे होंगे, उसके बाद फिगर, उसके बाद ये सब बात को लिख करके नोट कीजिएगा, और लास्ट में इधर हम लिख देते हैं, इतना लिखने के बाद टोटल नोट करने के बाद लिख दीजिएगा इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हम जान गए कि ये वेक्टर वेक्टर भी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। अब इज इक्वल टू एफ बटा क्यू, चार्ज स्केलर है, यहाँ एरो का साइन नहीं लगेगा, फोर्स पर एरो का साइन लगेगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लिए। बाकी अगर कोई पूछेगा कि सर सोर्स चार्ज के टर्म में इसका फार्मूला लाइए, तो सोर्स चार्ज, ये तो टेस्ट चार्ज है ना, सोर्स चार्ज के टर्म में फार्मूला आएगा, थोड़ा हम लोग वेट कीजिए इसका, और आगे और भी अच्छी तरह से इसको हम पढ़ते चले जाएंगे। सारे चीज़ को नोट करने के बाद एक क्वेश्चन इस पर हम दे रहे हैं, और थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे लास्ट में, हम कमेंट में आंसर दे देंगे। आप चार पाँच दिन हम वेट करेंगे आपका कि आप कितने लोग बनाए, और उसके बाद हम खुद कमेंट में आंसर दे देंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। अब यह आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, चलिए सॉल्यूशन में आप देख लीजिए हिंट्स के रूप में, पर आंसर आप कमेंट कीजिएगा, चार पाँच दिन के बाद आपका जो रियल आंसर होगा वो हम कमेंट कर देंगे। इफ ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10^-6 कूलोम, दैट मीन्स चार्ज दिया हुआ है मेरा 10^-6 कूलोम, इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को आकर के हम रखते हैं, यानी टेस्ट चार्ज की बात कर रहा है, एंड इट एक्सपीरियंसेज, और यह चार्ज एक्सपीरियंस करता है ये फोर्स ऑफ 5×10^-4 न्यूटन, यानी एफ इज इक्वल टू 5×10^-4 न्यूटन, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि किसी सोर्स चार्ज में 10^-6 कूलोम अमाउंट का कोई टेस्ट चार्ज ला करके रखा जाता है, अब यह टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पर इतना फोर्स अनुभव कर रहा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, यानी E इज इक्वल टू व्हाट, तो E इज इक्वल टू अभी आप पढ़े हैं F बटा क्यू, एफ है 5×10^-4, अब यह है 10^-6, सोल्व करके और आप आंसर दे दीजिएगा। अब हम आगे हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हुआ, समय बचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए मिटाते हैं अब हम इसको, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही एक और नाम है लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय द इमेजिनरी कर्व्स, CURVES कर्व्स, व्हिच आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हम इस तरह से तो दिखा दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, पर क्या फिजिक्स में जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी फिगर छापने का, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का, तो क्या हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक सिस्टमेटिकल लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे
ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो ये देखिए इस तरह से होगा। इस तरह से होगा। और अगर यही निगेटिव चार्ज रहता इस तरह से, तो देखिए उसमें ऐसे होता। इस तरह से होता। अब यहां से आपको थोड़ा सा चिंता करने की बात है, थोड़ा चिंतन कीजिएगा कि आखिरकार पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसमें एरो का साइन अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है, और निगेटिव है तो एरो का साइन उसी की तरफ टुवार्ड्स डायरेक्शन में है, उसी की ओर है, आखिर क्यों है? तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या बिहेवियर ऑफ लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको भी हम मिटा देते हैं, बाद में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और लगभग इसका 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो जेई मेन और एडवांस के लेवल पर बहुत ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप थोड़ा अच्छी तरह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़िएगा। फिलहाल इसको इतना पर नोट कीजिए, इस फिगर को भी मत आप छापिएगा, अभी आप विधिवत समझ लीजिए पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। तो जनरली थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा। जनरली 6 कैरेक्टर को हम लोग पढ़ेंगे इसका। देखिए फर्स्ट कैरेक्टर क्या है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा निकलते हैं, यानी अगर थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं यानी निकलते हैं, इसलिए एरो का साइन हम लोग निकलता हुआ दिखाए हैं। जबकि अगर निगेटिव चार्ज रहता तो इसके अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को इस तरह से नहीं दिखाएंगे, अब इसलिए हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं टर्मिनेट करते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये इसका बेसिक प्रॉपर्टीज है, रूल है, यही फंडा है इसका कि अगर पॉजिटिव चार्ज आप छापे हैं तो इसमें कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को आप दिखाएं तो इससे निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए, इसीलिए जेई मेन एडवांस में ऐसा ही पूछता है, कहीं ऐसे प्लस चार्ज का एक बेल्ट दे देगा बेल्ट और इधर एक कोई माइनस चार्ज का स्फेयर, बोलेगा कि चलिए इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रा कीजिए कैसे बनेगा, तो इसे ओरिजिनेट होकर के यहाँ देखिए इस तरह से इसे आते जाएगा इसे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, पहले फिलहाल आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं, मैंने निकलते हैं, जबकि निगेटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट होते हैं। आप टर्मिनेट करा दीजिए इस तरह से ऐसे। चलिए सेकेंड क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमेशा इस चार्ज सरफेस का लंबवत होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है ऐसे। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर ये प्लस चार्ज है तो यहाँ से आप ऐसे खींच रहे तो इसका लंबवत होना चाहिए, ऐसे खींचे आप देखिए इसका इसे लंबवत होना चाहिए, ऐसे खींच रहे हैं आप तो इसका लंबवत होना चाहिए, ये नहीं कि आप प्लस चार्ज से खींच करके और यहाँ से आप लाइन ऐसे करके ऐसे दे दीजिएगा। ओरिजिनेट तो कर रहा है, एरो का साइन बाहर की तरफ तो है, लेकिन ये देखिए गलत है ये, क्योंकि ये लंबवत नहीं है, एंगल बन गया यहाँ। अगर इस पॉइंट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना चाहते हैं तो इस पॉइंट से ऑलवेज इधर की तरफ खींचा जाएगा ऐसे, तब जा करके इस सतह पर लंबवत आएगा, बाकी आप जितना मन चाहे उतना खींच सकते हैं फिर, पर सब लंबवत ही होना चाहिए। उसी तरह से निगेटिव में भी वही होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज, ये नहीं कि आप यहाँ से निकाले और ऐसे ले गए, ये गलत हो जाता है। तो पहला क्या है, पहला प्रॉपर्टीज में आया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे निकलेगा, निगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं चार्ज सरफेस का हमेशा लंबवत होते हैं। और तीसरा क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहे वो कितना भी नज़दीक आप क्यों ना खींच देवे ऐसे, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा ऐसे, इंटरसेक्ट मैंने प्रतिभाजित मैंने काटेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, आगे हम क्वेश्चन के रूप में इसका आंसर लिखवाएंगे। पहला कैरेक्टर आप देख लिए, सेकेंड देख लिए, थर्ड देख लिए कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तीसरा क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सपोज कीजिए, या इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया, जैसे मान लीजिए कि ये वाला है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर आप कहीं भी किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचिएगा। टेंजेंट मैंने किसको कहते हैं, तो यहाँ पे एक सर्किल बनाइए जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना होता है छोटा सा, और इस सर्किल से ऐसे कर दीजिए। देखिए
ये टेंजेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी बिंदु पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो वह टेंजेंट उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ओरिजिनल डायरेक्शन को बताता है कि वाकई में अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ होता तो इधर की तरफ चला जाता। बात आप समझ गए होंगे, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचे तो वह टेंजेंट जैसे यहाँ खींचिएगा तो यहाँ इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। यानी टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मूल दिशा को बताता है, यानी ओरिजिनल डायरेक्शन को बताता है। पांचवा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा ओपन लूप बनाते हैं। ओपन लूप जैसे ये है तो हमेशा ओपन लूप, सॉरी सब देखिए लंबवत है, पॉजिटिव है, बाहर की तरफ निकल भी रहा है, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ओपन लूप और क्लोज लूप पहले आप समझ लीजिए, ये ओपन लूप हुआ। जबकि अगर आप मैग्नेट की बात करते ना, मैग्नेट की, तो चुंबक में आप जानते हैं कि दो ध्रुव होता है, दो पोल, एगो नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो क्लोज लूप बनाते हैं। क्लोज लूप, क्लोज यानी बंद, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओपन लूप बनाते हैं हमेशा। ये पॉजिटिव में देख लीजिए आप या फिर निगेटिव में, कहीं है जाकर के क्लोज हुआ नहीं, हालांकि इसका क्लोज होने का चांस बनता है अगर आप एक प्लस और एक माइनस आप ले लें तब, नहीं तो ऐसा जनरली चार्ज ओपन लूप ही बनाते हैं। और मैग्नेट तो आप जानते हैं कि हमेशा क्लोज लूप इसलिए बनाता है क्योंकि मैग्नेट का हमेशा दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ, कभी यूनिपोलर मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ओपन लूप बनाता है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बना सकता है, वो क्वेश्चन में आप देखिएगा। चलिए पांचवा ही हो गया, और छठा क्या है यहाँ पे आप समझ लीजिए। पहला था ओरिजिनेट करता है प्लस से, माइनस की तरफ टर्मिनेट करता है। सेकेंड है कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा। थर्ड, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फोर्थ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी भी बिंदु पर टेंजेंट खींचे तो वह उसका ओरिजिनल डायरेक्शन बताता है। और फिफ्थ में था कि यह हमेशा ओपन लूप बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है। छठा क्या है कि एकदम अच्छा से समझिएगा इसको, ये समझ लीजिए प्लस चार्ज है, यहाँ से हम खींच रहे हैं, सब सारे कैरेक्टेरिया को फॉलो कराते हुए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचेंगे। ये देखिए इस तरह से, अब हम सपोज करते हैं इतना बड़ा एरिया लेते हैं, यहाँ इतना बड़ा एक एरिया ले लिए, इस एरिया का नाम दे दिए ए। अब इतना ही बड़ा आप एरिया यहाँ दे दीजिए, सब पूछिए कि दोनों का एरिया लगभग बराबर है, इसका नाम दे दिए बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगा, ए पर या बी पर? तो आप खुद ही दिमाग लगा करके बता सकते हैं कि ए पर ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ए पर एरिया जितना आप खींचे हैं उसमें तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ जा रहे हैं, जबकि बी वाला एरिया में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है। इसका मतलब ई हुआ, इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ई ए माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। ये हुआ छठा कैरेक्टेरिया, शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए कि क्या है। छठा कैरेक्टेरिया कहता है कि कहीं पे अगर आप एरिया लेते हैं और उतना ही एरिया का कहीं और जगह लेते हैं तो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मोर पावरफुल होगा, और जहाँ कम आएगा वह कम पावरफुल होगा। यही छह कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब चुपचाप हम इसको नोट करा देते हैं, आप अच्छा से समझ के एक बार और रिमाइंड कर लीजिए, अब बाद में इसको उतार लीजिएगा। जो बात बताया गया था वही लिखा गया है, प्लस चार्ज हमेशा ओरिजिनेट होता है, निगेटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा चार्ज सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। पॉज करके उतार लीजिए इसको, ये दो हुआ, अभी चार और लिखवा रहे हैं हम। थर्ड है, थोड़ा VVI है ये सब, इसलिए अच्छा से गौर कीजिएगा। टेंजेंट ड्रान एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट, देखिए ये है रेखाखंड, स्पर्श रेखा कहिए, टेंजेंट मतलब जब खींचिएगा आप तो इस पॉइंट पर ओरिजिनल डायरेक्शन बताएगा किसका भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, अभी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो पीछे हम पढ़े हैं, ओरिजिनल डायरेक्शन देखिए यहाँ इधर है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं।
तो इसमें फिगर नहीं होगा, और अगर आपको छापना भी तो छाप लीजिएगा। और फिफ्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म ओपन लूप, ओपन लूप बनाते हैं, ओपन है मैंने खुला खुला है, ये फिफ्थ हो गया। अब लास्ट सिक्स, सिक्स है जो समझ लीजिएगा, इस पर ज्यादा मेन एडवांस और नीट का क्वेश्चन होता है, क्या है रिलेटिव क्लोजनेस। सपोज कीजिए रिलेटिव, यानी कि पहले हम दो क्लोजिंग एरिया ले लेते हैं। सपोज करो चलो आप एक इसको मान लो, ऐसे ही आप फिगर अभी छापना, सिक्स है और इतना ही एरिया बिल्कुल हम यहां ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए और इस एरिया का नाम दे देते हैं बी। तो क्या कहता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या बिहेवियर है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा नजदीक होंगे, एकदम बिल्कुल आसानी से आपको समझा दे रहे हैं इजी लैंग्वेज में, जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पावरफुल होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा दूर दूर होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। कुल मिलाकर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, इसको ऐसे करके इतना आप लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो गया। इसका छह कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा, और आज का वीडियो इतना पर ही आपको पढ़ा करके ख़त्म करते हैं। विश करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। ऑल द बेस्ट।